हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, यह वीडियो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में सम्मिलित छात्रों के लिए है, जिन छात्रों ने 2021 में काउंसलिंग कराई थी लेकिन किसी कारण उनको सीट अलॉट नहीं हुआ। और जैसे पूल काउंसलिंग कराया, पूरा फीस दिया फिर भी सीट नहीं अलॉट हुआ, या फिर आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में आपने काउंसलिंग कराया, आपने 5,000 रुपये जो एडवांस सबमिट किया था उसका फीस रिफंड होना है, ठीक है। या फिर पूल काउंसलिंग में जो आपका सीट नहीं मिला तो 52,000 रुपये रिफंड होना है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछ रहे थे। तो इससे पहले 2 दिन 3 दिन पहले मैंने अमिता मैम से खुद पर्सनली बात कर कर आप सबको बताया था कि कब तक फ़ीस रिफंड होगा। तो दोस्तों, वो तो मेरी जानकारी जो मैंने अमिता मैम से ली थी, लेकिन अभी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है आज, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें साफ साफ बताया गया है कि पूल काउंसलिंग वालों का और जो काउंसलिंग में राउंड में काउंसलिंग कराए थे उनका फ़ीस रिफंड कब तक होगा, ठीक है। पूरी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको दिखाऊंगा, और जो चीज़ें मैंने बताई थी बिल्कुल सही बात थी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना। दोस्तों, वेबसाइट से चलने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी रहा करे, कॉमेंट में सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, ठीक है, 2022 में बीएड के लिए या फिर 2021 के स्टूडेंट जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लें, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर दें, समय मिलते ही मैं आप सभी का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो देखते हैं जो फीस वापसी को लेकर नोटिस जारी हो उसमें क्या बताया गया है। दोस्तों, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाने के बाद में आप लोग यहाँ पर एडमिशन सेक्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखकर आएगा, देखिए यूपी जेईई बीएड 2021-23, इस पर आपको टाइप कर देना। जब आप इस पर टाइप करेंगे तो इस तरीके का यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको कैंडिडेट फॉर लॉग इन काउंसलिंग इसका लिए है। फिर यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग फॉर फीस रिफंड, ठीक है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक नोटिस डाउनलोड होगा, ठीक है। तो वो नोटिस यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग शुल्क वापसी की के संबंध में सूचना। वे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021-23 की काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चक्र यानी मेन काउंसलिंग के चारों चरणों यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चार काउंसलिंग हुई थी उसमें या फिर पूल काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई, उन्हें निर्धारित शुल्क की वापसी की प्रक्रिया जनवरी 2022 तक संपादित होने की संभावना है। यानी जनवरी 2021-22 तक आप सबको फीस रिफंड हो जाएगा। यही चीज़ मैंने अमिता मैम से बात करके बताई थी, उन्होंने भी बताया था कि 1 से 2 मंथ लग जाएंगे फीस वापसी सब की होगी, जिन्होंने पूल काउंसलिंग कराया था या जिन्होंने काउंसलिंग करवाया था बाद में डायरेक्ट एडमिशन लिया, सबको फीस मिलने वाला है। तो उसके नीचे दिखा बताया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चक्र में वापसी है तो धनराशि यानी कि आपने फर्स्ट राउंड से लेकर फोर्थ राउंड तक अगर काउंसलिंग कराई है तो 5,000 रुपये रिफंड होगा। अगर आपने काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वितीय चक्र में जो पूल काउंसलिंग हुई थी उसमें कराया है तो 51,250 वापस होगा आपका पूरा। यह धनराशि अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय भरे गए विवरण के अनुसार बैंक खाते में वापस या स्थानांतरित किया जाएगा। जो आपने बैंक डिटेल डाला था काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम में वहीं पर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो अलग से उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिनका एफएससी कोड या अकाउंट नंबर गलत हो गया है किसी कारण, फीस अगर रिफंड नहीं हो पाएगी तो उसका भी लिस्ट जारी होगा, आप लोग बाद में भी फीस अपना कलेक्ट कर सकते हो। तो भाई जनवरी माह तक सबका फीस वापस हो जाएगा, जिन्होंने पूल काउंसलिंग कराया था उनका भी वापस हो जाएगा, जिन्होंने काउंसलिंग में 5,000 एडवांस दिया था उनका भी वापस हो जाएगा अगर सीट नहीं मिला था। अगर सीट मिल गया था आपने नहीं लिया तो आपको वापस नहीं मिलने वाला फीस, ये आप बात बहुत दिन से मैं बताता आ रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप कोई भी जानकारी हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।